आखिरी बात ये थी कि कुरान मजीद की हिफाज़त आप आलतम के साहबा ने किस तरह से की हालांकि हम ये जानते हैं कि कुरान मजीद की हिफाजत का ज़िम्मा अल्लाह ने खुद लिया है अल्लाह ताला ने फरमाया सूरत हजर में इन्ना नहनज़ल ज़िक्रा व अनना हाफ़ि अल्लाह सुबहान व हिफाज़त की ज़िम्मेदारी ली है उसे अल्लाह ताला ने बंदों के ज़रिए ही हिफाज़त फरमाया मजीद की जो हिफाज़त की गई है वो दो तरह से एक सीनों में महफूज करके कि अल्लाह ताला ने ऐसा माहौल बनाया कि कुरान मजीद की हिफाज़त की गई इस एतबार से कि किर मजीद को याद किया गया कुरान मजीद को याद करने की फ़ज़ाइल बतलाए गए दुनियावी फ़जाइल बरसकी फ़ज़ाइल उखरवी फ़ज़ाइल और इन फ़ज़ाइल को पेश नज़र रखते हुए साहबा की बड़ी तादाद एक तो वो अहले अरब थे उनका हाफिज़ा बड़ा गज़ब का था तो पहले ही से उन्हें कुरान अच्छी तरह याद था क़ुरान मजद की जो हिफाजत एक और तरह से की गई है वो लिख के अल्लाह के रसूल आलम पर जब कुरान नाजिल होता रहा तेईस साल की मद्त में तो कुरान जब लिखने में आया और आज हमारे सामने मुसहफ़ की जो शक्ल है उसके तीन मराहिल हैं पहला मरहला ये है कि आप अली अलीसम पर जब कुरान नाजिल होता रहा तो अल्लाह के रसूल अली अलीरतम के पास कुछ ऐसे सहाबा थे जिनकी तादाद अच्छी ख़ासी बड़ी है आप अली अलीसरत उनको बुला करके कुरान लिखवा दिया करते थे और बोल देते थे कि ये जो दो आयतें नाजिल हुई हैं वो उन आयतों के बाद लिख दी जाए और उस वक्त लिखने से मुतल ज़्यादा इहिसार नहीं था उनका पूरा दारो मदार हाफिज़े पर था अहिल अरब का हाफ़िज़ा बड़ा गज़ब का हाफिजा मिसाली हाफिज़ा पत्थर की लकीर भूलते नहीं थे दोबारा बतलाइए दोबारा सुनाइए ये।, ये कहने की हाजत नहीं थी उनको इतना ग़ब का हाफिज़ा एक मरतबा सुन लिए तो सुन लिए आप अलीसलम के सहाबा अहिल अरब थे तो इनका हाफिज़ा कुछ ऐसा ही था इसके बावजूद भी आप ने कुरान मजीद को लिखवाया करते थे साहबा की एक टीम तश्कील दे दी गई इसी काम पे मामूर थी जब जब आयतें नाजिल होती ये लिखा करते थे साहबा की एक बड़ी तादाद है जैद साबित हैं ालिबनबी तालिब हैं अब्दुल्ला बिन मसूद हैं और भी बहुत सारे साहबा हैं जिनकी तादाद का मुवेश पचास के करीब जाकर पहुँचती है तो आप अलीरतम जब क़ुरान मुसफ़ में लिखवाया करते थे मुसहफ़ की जो शक्ल आज हमारे पास है वो शक्ल नहीं थी कोई हड्डी पर लिख लेता कोई चमड़ा जो सुखा सूखा हुआ चमड़ा होता जिसे दबागत दी गई होती उस चमड़े पर लिख लेते ऐसी मुख्तलिफ़ शक्लें थीं लेकिन बिखरा 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 था हर किसी के पास पूरा कुरान पुरा मजीद एक जा एक साथ लिखा हुआ नहीं था सीने में तो बहुत सारे लोगों के सीने में था आप आसमाम के साहबा अल्लाह के रसूल नमाजों में कुरान सुनते थे और उन्हें अच्छी तरह मालूम था कि कुरान मजीद की कौन सी आयत दिन में हुई कौन सी आयत रात में नाजिल हुई मौसम में सरमा में कौन सी मौसम में गरमा में कौन सी सफ़र में कौन सी हाजर में कौन सी घर के बाहर कौन सी थी घर के अंदर कौन सी आयतें नाजिल हुई तो ये सब 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 चीज़ों का इल्म था सहाबा को लेकिन जब लिखने की बात आई तो सबके पास अलग अलग हिस्सा लिखा हुआ था ये एक मरहला था अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में आप की ज़िंदगी का आखिरी दिनों में आखिरी सालों में एक कुआँ था बर माओना जिसे एक इलाक़ा मरूफ था उस कुएँ से वहाँ के लोगों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सत्तर साहबा को तबलीग इस्लाम के नाम पर ले जा कर के बड़ा तफसीली वाकया है हम उस उस जुज्यात में नहीं जाना चाहते हैं तो सत्तर सहाबा को अल्लाह के रसुल ने भेजा था तबलीग इस्लाम के लिए उन्हें दीन सिखाने के लिए और वो जो उस इलाके के जो लोग थे वो लोग अपने आप को मुसलमान बतला करके इन सारे लोगों को लेकर के गए और सत्तर साहबा को शहीद कर दिया कत्ल कर दिया और मुसनत अहमद की रिवायत है कि ये सब के सब किताब सुन्नत के की थे इन सब को किताब सुन्नत का गहरा आलिम था जैसे इन लोगों को कत्ल कर दिया गया शहीद कर दिया गया तो ये एक सोचने वाली बात थी कि इस तरह के लोगों को अगर कत्ल कर दिया जाए तो सीनों में जिनके कुरान है वो एक एक करके कत्ल कर दिए जाएंगे इसके बावजूद भी अल्लाह के रसूल बाहयात थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुलफ अरबा बाहयात थे वो सिद्दीक़ उमर बिन ख़त्ताब उस्मान बिन अफ़्फ़ान अली बिन अबी तालिब रज़ी रज़ी मजमाइन मुआज़ बिन जबल अब्दुल्ल बिन मसूद ऐसे बड़े बड़े सहाबा बाहयात थे जिनके पास कुरान और हदीस का अच्छा गहरा इल्म था हालांकि नुकसान बहुत बड़ा हुआ था जो सत्तर सहाबा शहीद कर दिए गए और सब के सब कुर्रा थे हाफिज़ कुरान जितना कुरान नाजिल हुआ था उसका बड़ा हिस्सा उन्हें याद था और सुनतों का उन्हें था ये एक मरहला था जो अल्लाह के रसूल वसलम अपनी ज़िंदगी में कुरान मजीद को लिखवाया करते थे ये एक मरहला था दूसरा मरहला वो था जब अल्लाह के रसूल का इंतकाल हो गया आलही सलातम और सिद्दीक रज़ी अल्लाह की खिलाफत का दौर था जो कि ढाई साल का दौर उसमें जो मसाइल का सामना करना पड़ा उसमें से एक बहुत बड़ा मसला ऐसे लोगों का था जो मर्तद हो चुके थे इस्लाम से फिर चुके थे अल्लाह के रसुल का इंतकाल क्या हुआ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये लोग मर्द हो गए दीन से फिर गए कुछ लोगों ने कहा कि हम जक़ात नहीं देंगे जब बस अल्लाह के रसूल जब तक थे हम जक़त देते थे और आज आपका इंतकाल हो गया आज हम जक़ात नहीं देंगे एक शख्स था जिसने नबूवत का ऐलान कर दिया कि अब मैं अल्लाह का नबी हूँ अल्लाह कज़ाब था वो तो मुसलमा कजाब की बीकुनी के लिए उसके खातिमे के लिए बकर सिद्दीक रज़ी उन्होंने साहबा की एक बड़ी जमात को भेजा जो आज का जो रिया का जो इलाका है वहाँ पर वो जंग हुई थी खालिद बिन वलीद रज़ीआन उसके कायद थे उनकी क्यादत में वो एक वो फौज गई थी हुआ ये कि उसमें भी सत्तर साहबा शहीद कर दिए गए बड़े बड़े हफाज क्राम और उन सबके सीनों में पूरा कुरान मजीद मौजूद था जब उन्हें शहीद कर दिया गया तो उमर बिन ख़ाब रजील् उन्होंने फ़ौर नोटिस ली और तहरीक चलाई और सिद्दीक अकबर रजील्ला कहा कि देखो अगर इस तरह के साहबा का इंतक़ाल हो जाए तो जिनके सीनों में है वो सब के सब एक एक करके चले जाएंगे और कुरान जो है सबके पास बिखरा भिखरा लिखा हुआ है अल्फ़ और कदम उठाया जाए और कुरान मजीद को एक, एक जगह जमा कर दिया जाए उस तरतीब के साथ जिस तरतीब जिस तरतीब से अल्लाह के रसल पढ़ा करते थे आलि वद्दीक़ रज़ील्ल्लान्होंने इब्ता में तो मना करते रहे कि जो काम अल्लाह के रसूल ने नहीं किया वह मैं कैसे कर सकता हूँ इसे बुखारी की हदीस है बिल आखिर अल्लाह सिद्दीक अकबर को रज़ील् शर सदर किया और आपने ज़ैद इब्न साबित रजील् के इस बात पर मामूर किया वह हर किसी के पास जाएँ जिसके पास जितना क़ुरान लिखा हुआ है उसे एक जज जमा कर दें पूरा कुरान मजीद यहाँ से वहाँ से लेकर के उन्होंने जमा किया शुरुद व तोबा की दो आयतें बाकी रह गई थीं वो सिर्फ़ खुजैमा इबनत रजील् के पास थे किसी और के पास नहीं थी उसको लिया और सदीक़ अकबर के दौर में ये अजीम कारनामा वजूद में आया कि कुरान मजीद जो किसी के पास पांच सूरतें किसी के पास दस सूरतें किसी के पास कुरान एक सूरह का कुछ हिस्सा लिखा हुआ था कुछ हिस्सा नहीं लिखा हुआ था ये जो बिखरा बिखरा जो सीने में तो था लेकिन किताबी शक्ल में जो नहीं था उसे तरतीब दे दिया गया एक बड़ा कारनामा था ये ये दूसरा मरहला था एक तीसरा मरहला आया वो ये था कि उस्मान इब्न अफ़ान रज़ी अल्लाह के दौर में जब मुसलमान यहाँ से वहाँ से कहाँ कहाँ तक पहुँच गए थे अजरबैजान तक वो तक पता हो चुका था चीन के करीब करीब तक इस्लाम चला गया था इधर जो है उंदलुस के ऊँहनी जो तुर्की है तुर्की फिर यहाँ से लीबिया लीबिया से मराक्ष और यह इस इस दहाने तक इस्लाम चला गया था अफ्रीका में इस्लाम चला गया था यमन के कोने किनारे तक साहली इलाक़ों तक इस्लाम चला गया था बड़ी दुनिया में इस्लाम आधी दुनिया पर मुसलमान थे ऐसे में साहबा इक्राम रज़ी अल्लाजमाइन भी तबलीगी इस्लाम के लिए मुख्तफ इलाकों में बढ़ गए थे तो फिर कोई कुरान मजीद की तिलावत कुछ और ढंग से करता कोई और ढंग से करता कोई और ढंग से करता खरातों में इस तरह के इतलाफात होने लगे इस सूरत हाल को देख करके हुज़ैफ़ा रजी अन्हु ने फ़ौरन उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी आफ़ान अन्हु से कहा कि देखो अगर यही सूरत हाल हो तो यहूद नसारा का तौरात और इंजील से मुतलिक जो इख्तलाफ है वो इख्तलाफ कहीं मुसलमानों के माबान कुरान को लेकर के ना हो जाए इसलिए फ़ौरी तौर पर ऐसी तरतीब दी जाए जिसमें एक ही ढंग की किरात हो इब्न अफ़ान रज़ी अल्लाह ने हफ़् ऱीहा जो नबे करीम सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम के ज़ोज मुहतरमा मोमिनीन थीं उमर बिन ख़त्ताब की दुख्तर थीं बेटी थीं रजील उनके पास वो वफ़ था जो आप आलतम के तरब के ज़माने की तरतीब के हिसाब से लिखा गया था जिसे सिद्दीक़ अकबर ने तरतीब दिया था जो उमर बिन खत्ताब के पास आया था उनकी खिलाफत में फिर उनसे उनकी बेटी को मिला था वो उस्मान रज़ी उन्होंने कहा कि देखिए आपका जो है वो हमें दे दीजिए हम उसको एक मतलब नक़ल कर लेंगे फिर हम आपको पहुँचा देंगे हफ़सा रज़ी उन्होंने उन्हें दिया और उसके बाद उस्मान रज़ी उन्होंने चार सहाबा को जमा किया जिसमें से एक अंसारी थे और तीन क़्रशी थे महाजरीन में से थे और क़ुराशी थे और उनसे कहा कि जो क़ुरान मजीद को उस उस तरह से लिखा जाए उस उस पढ़ने का अंदाज़ से लिखा जाए जो कि अल्लाह के रसूल का पढ़ने का अंदाज़ है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीगर किरातों को नहीं और कहीं किरात में इतलाफ़ हो जाए तो कुरैश की जो ज़ुबान है उसे तरजीह दी जाए इसलिए कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद को अरबी ज़ुबान में नाजिल किया और अरबी में भी कुरैश का जो उसूब है कुरैश की जो ज़ुबान है उस ज़ुबान में अल्लाह ने नाजिल किया इस तरह से जब कुरान मजीद को जमा कर दिया गया और इस किरात का अहमाम किया गया तो उस्मान बिन अफ़ान रज़ी अल्लाह रज़ील्ला ने उसकी कई कापियाँ बनाईं और मुसलमान जहाँ जहाँ रहते हैं बड़े बड़े इलाक़ों में हर जगह पर एक एक कापी भेज दी गई और कहा कि इसी को तरजीह दी जाए इसके अलावा जितने भी नुस्खे हैं जितने कापी हैं सबको जला दिया जाए और पूरे सहाबा का इत्तेफाक था इस बात पर इस तरह से उस्मान ओस्मान अफ़ान रज़ी अल्लाह उन्होंने के ज़रिए से अल्लाह ताला ने बहुत अज़ीम खिदमत आपसे ली ये वो मौजू है जो क़ुरान के तारफ़ से मुतल था कुरान के से तारत बहुत सारी बातें आपके सामने लाई गई थी उसको हम खुलासे के तौर पर निकात के शक्ल में दोबारा उसको एक मतलब बतला देते हैं कि कुरान से मुतलिक हमने आपके सामने क्या क्या बातें रखी थी कि ये कुरान मजीद अल्लाह के रसूल आलतम तो पर कब नाजिल हुआ सबसे पहले आप पर क्या आयतें नाजिल हुई किस फ़रिश्ते के ज़रिए से अल्लाह ताली ने आप आलिम तो पर वही नाज़िल फ़रमाई इसी तरह से कुरान मजीद जो नाजिल हुआ है इसकी कितनी किस्में हैं एक था इब्तदाई एक था सबबी इब्तदाई का मतलब ये होता है कि बग़ैर किसी सबक की जो आयतें नाजिल हुई ये अगलब आयतें यही ज़्यादा आयतें हैं और कुरान मजीद की ऐसी भी काफ़ी आयतें हैं जो किसी सबक के तहत नाजिल हुई कुरान मजीद के तारुफ से मुतल हमने एक बात ये भी पढ़ी थी कि मक् और मदनी सूरतों से मुतल और ये भी जाना था किरान मजीद एक साथ नहीं बल्कि मुतफ्रख कुछ कुछ करके नाजिल हुआ और उसमें क्या हमतें हैं वो भी हमने पढ़ी कुरान मजीद की जो तरतीब है उस तरतीब से मुतल भी हमने आपके सामने बातें रखी कि जहाँ तक मामला क़लिमात की तरतीब है उसमें भी वैसे ही बाकी रखना चाहिए आयतों की तरतीब भी बाकी रहेगी सूरतों की तरतीब से मुतल इतना जवाज़ की बात है कि बाद वाली सूरतों को पहले और पहली वाली सूरतों को बाद में पढ़ा जा सकता है उसकी तरतीब में ख्याल रखने में कोई वाजबी वाली बात नहीं है फिर कुरान मजीद की किताबत से मुतल एक इसकी हिफाज़त की गई और फिर उसके बाद अल्लाह के रसूल के ज़माने में कैसे इसकी हिफाजत की गई कैसे लिखा गया सिद्दीक़ अकबर के दौर में कैसे तरतीब दिया गया और क्या कुछ था कारनामा सिद्दीक अकबर का रज़ी अल्लाह रजील्न और फिर उस्मान बिन अफफान रज़ी के ज़माने में ख़ास तौर तो पर जो मुसफ़ तैयार किया गया उसमें कौन सी चीज़ें थी ये बातें हम लोगों ने कुरन मजीद से मुतालिक़ पढ़ी अब इनशा क़ुरान मजीद की तफसीर से मुतालिक कुछ अहम बातें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इन जिसमें सबसे पहले तफसीर का माना क्या है तफसीर किसको कहते हैं और तफसीर से मुतल एक मुसलमान को किन चीज़ों का ख्याल करना चाहिए और जब कुरान की तफसीर जो होती है उसमें कितने उसूल हैं किस तरतीब से जाकर के तफसीर करना चाहिए ये भी हम लोग अभी जानेंगे इन खासकर सहाबा में से जो ज़्यादा शहरत जिनको मिली है तफसीर के बाब में सहाबा का तारुफ उन ताब का तारफ़ जिनका तफसीर में बिलखसूस ज़्यादा नाम लिया जाता है और इसके बाद कुछ और चीज़ें तफसीर से मुतल आपके सामने बातें रखी जाएंगी इसको रोक दें थोड़ा क़ुरान मजीद के तारुफ़ से मुतल ये बातें जो आपके सामने रखी गई हैं आप इसको बार पढ़ें और निकात की शक्ल में पढ़ें और फिर इससे मुतल कुरान मजीद का तारुफ आप ख़ुद भी जानें अपनी अहल आयाल को बतलाएँ अपने दोस्तों अहबाब को बतलाएँ मुसलमान से मुतक़ जहाँ जिस बात का तकाजा हो उतनी बात को उनके सामने भी रखें अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताली ने हमें कुरान मजीद की तारफ़ से मुतल जो तोफ़ी अता फ़रमाई है अल्लाह ताली उसे उसका अहतमाम करते हुए उसे पढ़ने उसके दिफा करने उसकी नशर वशात करने और उसे अपनी ज़िंदगी में लाने की तोफ़ी अदा फ़रमाएँ अल्लाह ताली मजीद को हमारी नजात का ज़रिया बना दे आमीन अल्लाम वरहमल् वरक